सुनहु प्राण पिरे भावत जी का, देहु एक बर भरतहिं टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरभु नाथ मनोरथ मोरी। वो बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मैं मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को रास तिलक और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करे। ककई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रख कर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय ककई ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। ककई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि ककई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अभ्यस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा सिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। ककई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोरा मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई ककई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और बकुबरी मंथरा रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़े ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे ककई को प्रिय लगने वाली बानी बोले, प्रिय वचन किस कहसी कुभाति, भीर प्रतिति प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहऊं करी शंकर उसाखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे तरह से तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे।
अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त सुनवा कर सब तैयारी करके डंका बजा कर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अर्जन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। हे पीर, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राजाभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मनी के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर पीर जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि ककई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। ककई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप स्याने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल ककई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। ककई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने ककई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो।
केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे? या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री को भांति रोइये पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। ककई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुझे छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कह कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर ककई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, यानी शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और ककई निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बिना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवध पति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे।
जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सुखी गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर यानी जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से बरी हुई और शुभ से विहीन ककई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्री जी बोले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लाजवाब लवाज में के जा रहे थे, यानी उनका कोई जवाब नहीं था। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मनी श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी ककई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा की जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर कर उन्होंने मीठे वचनों से माता ककई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। ककई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बानी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दुश्मनों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में
विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भारत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मतलब मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि का कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी ककई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो, मैं तुम्हारी बलिहारी जानती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अभ्यास ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। के कई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता ककई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे पूरे सभी प्रकार के जल सोप सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विदहि मनावे राव मन माही, जे ही रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुँह मांगा वर दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दिन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सिल
स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। जगत में चाहे अभ्यास हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सभी प्रकार से दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओर ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कह कर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, यानी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष उसकी करत लगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का बेस सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता, सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, सुख हृदय नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सोच पड़ा कि जो इसने छाए घर पर आग रख दी, या अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों को बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी ककई रघुवंश रूपी बांस के लिए वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठठक कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति यानी चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया,
दुर्बुद्धि ककई को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके ककई की बात को पूरा करने में अड़े रह कर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे सीबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं, कोई एक इनमें से भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं यानी कुछ बोलते ही नहीं, कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बुढ़ी और जो ककई के परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते थे। वह कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुमने स्वाभाविक ही स्नेह करती रहती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी स्वत्याडाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना ही राजा जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कह कर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई ककई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।